अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 1, 2, 3 पेपर बी चैप्टर नंबर 10 नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट बाइनरी नंबर है 101 और 101। अब इस नंबर को जो है ना ऑक्टल नंबर में ले जाना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास है यहां पर नंबर 101 एंड 101। ये ना बाइनरी है, असास 2 पे है, बेस 2 पे है। हमें इसको बेस 8 पर लेके जाना है। आपको ना यहां पे एक छोटा सा टेबल भी बता देता हूं। ये हमारे पास है यहां पे ऑक्टल नंबर और ये बनते हैं उसके बाइनरी नंबर। तो आपको ऑक्टल नंबर के पता होने चाहिए कि अगर 0 हो तो इसके नंबर बनते हैं 000। अगर 1 आपका आता है तो इसका मतलब होता है 101। अगर आपका 2 होता है तो ये होता है आपका 010। ये 1 भी जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपका आता है यहाँ पे 3 ऑक्टल में तो वो 011 होते हैं, ठीक है। और अगर 4 भी देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। और 5 में आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 101। आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो तीन तीन नंबर होते हैं ना बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 101 एक है इसके अंदर और साथ ही इसमें 101 भी है। तो 101 किसका होता है? 5 का। दूसरा 101 का क्या आ गया? 5। तो बेस 8 में कन्वर्ट हो गया। ये तो एक सिंपल सा मेथड है, इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें, प्रूफ कैसे करेंगे कि आपको 101 तीन तीन डिजिट यहाँ पे देखने पड़ेंगे। 000 भी आ सकते हैं, अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। बट ये बना कैसे हुआ है? इसमें यह है कि 5 की आप यहाँ पर फैक्टर बना लें तो 2 to the 4 हो जाएगा और प्लस 1 कितने हो गए? 5। और 2 to the 2 और 0, तो आप देख सकते हैं वो 5 ही था जिसको बेस 2 पर कन्वर्ट किया तो 101 बन गया। तो ये 5 जो है ये बेस 8 में और ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सा एक ये मेथड है। लेकिन अगर सपोज हम इसके तीन तीन डिजिट्स को खुद से कन्वर्ट करके देखें तो आप यहाँ पे 101 जो है बेस 2 इसको करके देखें 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। अब सेम नंबर है तो यहाँ पे देख लें 0, 1 and 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 × 2 to the 4 हो गया, प्लस ये हो गया 0 × 2 ही है और प्लस ये आपका हो गया 1 × 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 × 1 the 4 हो गया, प्लस 0 है, प्लस 4 × 1 the 1 हो गया। 4 और 1 आपके कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे आपको खुद पता चल सकता है कि ये 5 नंबर कैसे बन गया, ठीक है। तो हर 101 का आपका नंबर 5 ही बनता है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है ये टेबल इसी तरह से प्रूव किया गया है। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह से करना। आप तीन तीन के पेयर बना लें और उसके बाद कोशिश करें सोल्व करने की। लेकिन लेट सपोज अगर आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, आपके क्वेश्चन में एक डिजिट कम हो जाता है, तीन के पेयर के अलावा ये 6 डिजिट है 5 हो जाए, तो आपको शुरू वाले एक डिजिट के साथ 0 लगाना पड़ेगा। यानी ये जो पहला है ना जहां पे भी पॉइंटर आ रहा है, यहां पर आपको एक एडिशनल 0 लगाना पड़ेगा। तो अब आप इस क्वेश्चन के तीन तीन पेयर करके फिर उसके तीन पहले जोड़े लेकर उसको बेस 2 पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों ही 5, 101 थे तो फिर ऐसे ही हो गया। अगर इधर आपका 111 हो जाता तब आप उसको इस तरह से बना के देख सकते थे, ठीक है ना। आई थिंक उसका अगला नंबर होगा, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सब चीजें समझ आ गई होंगी और आप इजीली आप बेस जो है ना 2 को बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।